नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के बायोलॉजी क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक की, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन का ये जो लेक्चर होगा इसमें हम शुरुआत में पहले डायग्राम के तरीके से इसको समझ लेंगे, उसके बाद मैं इसका थियरी वाला पॉइंट्स तुमको अच्छे से कराऊंगा, जहां मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट बड़े आराम से और अच्छे से कवर किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तब जाके तुमको यह टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन अक्सर वो टॉपिक है जो बच्चों को समझता नहीं है। ऑल थ्रू आउट द ईयर व्हेन एवर वी गो फॉर डाउट सॉल्विंग लेक्चर, तो बच्चे हमको यही कहते हैं अलग अलग सेंटर्स पे कि सर ये वाला टॉपिक बराबर से करा दीजिए, ये वाला टॉपिक वापस करवा दीजिए, ये टॉपिक समझ में नहीं आया। सो अब इसीलिए है ना, इस लेक्चर को हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करेंगे, जहां हम लोग सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों, ये बात ऐसी है ना, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांस मतलब चेंज और स्क्रिप्ट, जैसे अगर एक पिक्चर है तो पिक्चर का पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है, राइट? तो समझो फॉर एग्जांपल एक स्क्रिप्ट जो है ना, वो स्क्रिप्ट साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा है जो अपने को समझ में नहीं आता है। सो पहले वो स्क्रिप्ट को है ना दिया जाएगा किसी और डायरेक्टर को, फिर वो उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी में और हीरो हीरोइन को उनकी भूमिका समझाएगा। उसी तरह से बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या किया, स्क्रिप्ट को साउथ इंडियन डायरेक्टर से लेके हिंदी डायरेक्टर को दे दिया, तो ये स्क्रिप्ट चेंज हुई। उसी प्रकार ट्रांसक्रिप्शन में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से स्क्रिप्ट, यानी डीएनए का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आरएनए के पास जाता है, फिर आरएनए में एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए, ये तीनों आरएनए मिलके इस स्क्रिप्ट को समझते हैं और समझने के बाद इंफॉर्मेशन के अनुसार एक के बाद एक किरदार को उनकी भूमिका समझाते हैं, यानी एक के बाद एक अमीनो एसिड्स को एक के पीछे एक जोड़ते हैं, तब जाके पूरा प्रोटीन तैयार होता है। यस दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दो स्टेप है, पहला है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए आरएनए को बनाता है। आज के लेक्चर में सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन करेंगे कि डीएनए आरएनए को कैसे बनाता है, ये एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये आरएनए बनता कैसे है वो देख लेते हैं। अब शुरुआत में हम डायग्राम के हिसाब से शुरू करेंगे, उसके बाद हम इसके थियरी वाले पॉइंट्स पे जाएंगे। अब इसको समझने के लिए हमको ड्रॉ करना होगा एक साधारण सा डीएनए। तो समझो बच्चों, ये एक सिंपल सा डीएनए है, दिस इज कॉल्ड एज अ पेरेंट डीएनए। अब अभी तक के हमारे लेक्चर में हमने पहले डीएनए रेप्लिकेशन सीखा था, यानी ये पेरेंट डीएनए किस तरह दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा, तो पहले इसका रेप्लिकेशन देख लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम भी अपना नोटबुक पेंसिल निकालो और मेरे साथ ही इसको ड्रॉ करो। अब सॉरी, थोड़ी तबीयत नहीं सही है, बट ठीक है, एनीवे टॉपिक बहुत सही है। अब ना बेटा, थोड़ा गले में भी खराश है एक्चुअली। अब कैसा है ना कि ये डीएनए के ये जो आगे के जो कॉइल्स हैं, ये आपस में लिपटा हुआ है ना कॉइल, अब इसको अनकॉइल करते हैं, इसको खोल देते हैं। खोल देंगे तो यूं खुला हो जाएगा बेटा। सो खोल दिया तो देखो खुला हो गया।
अब खोल देने के बाद कैसा होता है ना बेटा, यहां पे एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा और यहां पे एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। जैसा कि हमने लेक्चर में देखा था, एक कंटिन्यूअस बनता है वो होता है लीडिंग स्ट्रैंड, और एक डिसकंटिन्यूअस बनता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और अंत में लाइगेस नाम का एंजाइम इसको भी जोड़ देता है। अब ये दोनों न्यू स्ट्रैंड बने बेटा, तो अब क्या होगा ना, ये दोनों स्ट्रैंड, ये दोनों आपस में कॉइल हो जाएंगे और ऊपर के दोनों आपस में कॉइल हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा ना, ये वाला जो पार्ट है ये भी खुल जाएगा और उधर भी नया नया स्ट्रैंड बनेगा और वो भी आपस में कॉइल होगा। तो ऐसे कर करके अल्टीमेटली दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा बेटा अपने को। देखो ये पेरेंट का स्ट्रैंड है और ये इन्होंने अपना खुद का स्ट्रैंड बनाया, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, जहां 50% मटेरियल हर डॉटर डीएनए के पास पेरेंट का होता है व्हाइट वाला पार्ट, और 50% मटेरियल उसने अपना खुद का नया बनाया है। ओके, अब इसको नेम कर देते हैं बेटा। सो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों है डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। नाउ ये जो प्रोसेस था ऊपर की तरफ जो हमने देखा, ओके, यहां एक डीएनए से अल्टीमेटली दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बन गए। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। बट अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या है ना कि हमको डीएनए से डीएनए नहीं बनाना है, हमको डीएनए से आरएनए बनाना है। तो ट्रांसक्रिप्शन किस अंदाज में होगा वो देखते हैं। तो समझो यही डीएनए, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। तो लेट्स से सपोज अब ध्यान से सुना बेटा, यहां से हमने इसको मोटा कर दिया, मेरी बात सुनना, फिर उसके आगे से जैसा नॉर्मल कॉइलिंग है ना वैसा कंटिन्यू करते हैं। ओके, यानी क्या है मालूम है, यही डीएनए बीच में से जो ओवरलैप है ना उसको अगर मैं खोल दूं और सेपरेट कर दूं तो मोटा हो जाएगा बेटा। सो ये पहले ओवरलैप था ना, ये आपस में कॉइल्ड था, सो बीच का एक पार्ट खोल दिया मैंने। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पार्ट खोलने के बाद ना डीएनए के दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, ये वाला स्ट्रैंड अलग और ये वाला स्ट्रैंड अलग। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना, इसको हम लोग सिंपल डायग्राम के हिसाब से, यहां ऐसा कैसे कर्वेचर की तरह जा रहा है बेटा, सो उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरफ आ जाओ, अब ये दोनों स्ट्रैंड में से समझो ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये ऊपर वाला डीएनए का दोनों स्ट्रैंड में से वो स्ट्रैंड जो आरएनए को बनाएगा, समझो ये ऊपर वाला स्ट्रैंड, तो इस स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये आरएनए को बनाने वाला है, और डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड, ये नीचे वाला स्ट्रैंड जो आरएनए को नहीं बनाएगा बेटा, उसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये टेम्पलेट जो कर्वेचर की तरह, इसको काट लेता हूं मैं यहां से और ये कर्वेचर को स्ट्रेट लाइन कर देता हूं, ये से जो व्हाइट वाला स्ट्रेट लाइन है ना, इसको डायरेक्शन भी दे देता हूं, ये 3 डैश एंड और भाई ये इसका 5 डैश एंड। फिर ये नीचे वाला लाइन, इसको काट लेते हैं कोडिंग स्ट्रैंड को। सो ये येलो वाला लाइन है ना, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। अब ऐसे काम नहीं बनेगा, इसका नेमिंग कर लेते हैं। So, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये है कोडिंग स्ट्रैंड। अब बात एकदम ध्यान से सुनो बच्चों,
सो पहली बात क्लियर हो गई कि डीएनए के दो स्ट्रैंड में से आरएनए जो स्ट्रैंड बनाएगा ओके उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड ना इधर धीरे धीरे आरएनए बनाना चालू कर देता है और फिर वो आरएनए यहां से निकल आएगा बाहर। सो ये आरएनए है बेटा, ये आरएनए कैसे बनता है देखेंगे थोड़ी देर में, फिलहाल जो जो टर्म एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उसको समझ लो। सो जो स्ट्रैंड आरएनए बना रहे हैं उसको टेम्पलेट बोलते हैं और जो स्ट्रैंड आरएनए नहीं बना रहा है उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अब ये आरएनए बनाने के लिए शुरुआत में एक प्रोटीन आके टेम्पलेट स्ट्रैंड पे चिपकता है जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, समझो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे यहां से लेके यहां बढ़ रहे हम लोग, बट इस तरफ को अगर देखे ना, सो स्टार्टिंग में एक प्रोटीन टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आके चिपकता है, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर। ओके, जो इस पूरे प्रोसेस को प्रोमोट करेगा, शुरू करवाएगा, और जब पूरा आरएनए बन चुका होता है ना तो लास्ट में एक प्रोटीन वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर। और बीच में जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एमसीक्यू आता है कि प्रोमोटर इस पूरे के पूरे डीएनए में, ये उसका टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड, प्रोमोटर कौन से एंड पे अटैच्ड होता है? सो पॉ से प्रोमोटर, पॉ से पांच, सो प्रोमोटर इज ऑलवेज अटैच्ड टू 5' एंड एंड टर्मिनेटर इज ऑलवेज अटैच्ड टू 3' एंड। टी से टर्मिनेटर, टी से 3। बट यहां कैसे हो जाता है ना बच्चों, तुमको तो लगेगा सर ये वाला स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये mRNA को बना रहा है, सो प्रोमोटर अगर यहां चिपका है तो वो 3' एंड पे चिपका है। बट बच्चों रूल ऐसा है कि हमेशा जो रेफरेंस है वो कोडिंग स्ट्रैंड का लिया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वापस से दोहरा रहा हूं, भले टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए को बना रहा है, जो स्ट्रैंड आरएनए को नहीं बना रहा है उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, बट रेफरेंस हमेशा इसके अनुसार लिया जाता है। सो प्रोमोटर अगर चिपका है ना यहां पे, ठीक है, तो वो कौन सा एंड हो गया इसका डायरेक्शन देखने का, 5' एंड। टर्मिनेटर अगर चिपका है ना तो वो कौन से एंड पे चिपका है, 3' एंड पे। एमसीक्यू अगर आ जाए ना तो दो बात याद रखना, पी से प्रोमोटर, पी से 5, टी से टर्मिनेटर, टी से 3, सो 5' एंड और 3' एंड। दूसरा, रेफरेंस हमेशा किसका लिया जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड का, और जो स्ट्रैंड आरएनए बनाता है वो कौन है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो यहां पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्लियर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सो इस तरह से यहां आरएनए बन रहा है, सो यहां हम लोग इसको नेम कर देते हैं, भाई ये जो बन के निकले हैं बाहर इनका नाम है आरएनए। अब इसको हम लोग तुरंत एमआरएनए नहीं बोलेंगे, ये कच्चा आरएनए है, कच्चा लिंबू यानी अब इसको और बहुत सारा हमको प्रोसेसिंग करना है, इसमें और भी बहुत सारे हमको चेंजेस लाने हैं। इस तरह के कच्चे आरएनए को हम लोग हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, HNRNA। फिर इसमें तरह तरह का प्रोसेसिंग होगा और फिर जाके ये फाइनली mRNA में कन्वर्ट होगा। सो अभी यहां सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू हमने इस तरीके से दिखाया है, जहां ऊपर की तरफ हमने दिखाया कि भाई ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, सो यहां हम लोग दिखाएंगे ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ओके, अब ये है ना बेसिक सा आइडिया बेटा, अब मेन डायग्राम पे चलते हैं। पहले हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया दैट इज प्रोकैरियोट्स, उसके बाद देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अब बच्चों कैसा है ना कि तीन स्टेप्स मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा और तीन स्टेप्स मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया फर्स्ट। नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, हम लोग वापस से एक डीएनए बनाना चाहते हैं। परफेक्ट, ओके। अब ये ना एक डीएनए मॉलिक्यूल है, अब इसे डीएनए मॉलिक्यूल में से समझो, ये जो है एक स्ट्रैंड ऐसा जा रहा है और एक स्ट्रैंड ऐसा जा रहा है, ये दोनों चिपके हैं यहां पे,
इसको यहां से अलग कर दिया और खोल दिया तो ऐसा फूल जाएगा ना बेटा। तो समझो ये बीच का सेक्शन हम ओपन कर देते हैं। अब इसको ओपन करने के बाद ना बाकी पार्ट सेम कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो ये बीच से ओपन हो गया। अब यही चीज ना हम लोग लास्ट में भी इसको ओपन कर देंगे बेटा। अब सबसे पहले तुमको इस तरह का कर लेना है। तुमको ऐसे दिखाना कि डीएनए के लूप्स हैं। पहले ये आपस में कॉइल्ड थे, सो बीच के पार्ट को हमने ओपन कर दिया। अब दो स्ट्रैंड है, अब दो में से एक ही स्ट्रैंड आरएनए को बनाएगा। बट बात ऐसी है बच्चों, पहले ना सब नेमिंग फिनिश कर लेते हैं। 3' एंड 5' एंड सेम 3' 5' 3' 5' 3' 5' एंड भी बोल सकते हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता बेटा। 5' 3' 5' 3' ये ऑपोजिट होगा। अब जब आरएनए बनता है ना बेटा, तो स्टार्टिंग में एक मॉलिक्यूल आके यहां चिपकता है इस आरएनए को बनाने के लिए। वी रिक्वायर नंबर वन दिस एंजाइम विच इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। दिस एंजाइम विच इज कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। सुनते जाना ध्यान से, आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ ना एक और मॉलिक्यूल चाहिए जो स्टार्टिंग फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर। इस इनिशिएशन फैक्टर का नाम है सिग्मा फैक्टर। ऐसा सिंबल देखे हो ना फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर। तो ये सब कुछ शुरू होता है इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर की वजह से, और जो एंजाइम आरएनए बना के देगा उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। यानी इस डायग्राम में ना ये जो येलो वाला हिस्सा है पूरा, ये आरएनए पॉलीमरेज है, और उसमें ये जो बीच वाला हिस्सा है ये सिग्मा है। देन उसके बाद यहां से ऐसे दिखाएंगे कि भाई ये आरएनए बनना चालू हो गया। सो यहां लिख देते हैं आरएनए। बट अंत में अपने को दिखाना पड़ेगा कि यहां पे एक और फैक्टर है, ये आरएनए पॉलीमरेज, और उसी के अंदर ये है टर्मिनेशन फैक्टर जिसका नाम है रो। इसको फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, अब इसको कैसे याद रखें तो इसका टेक्निक देखो कैसा बनेगा बच्चों। इसका टेक्निक कुछ इस तरह से बनाते हैं, इसका टेक्निक मैं यहां लिख देता हूं। टेक्निक है माई रोटी दे। माई मतलब हम सब की प्यारी हमारी माँ, हम माँ से रोटी मांग रहे। अब टेक्निक के हिसाब से इसको हमेशा याद रखना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना एमसीक्यू में सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर बोलने के बदले टर्मिनेशन फैक्टर मार्क करके आ जाते हैं, और रो फैक्टर को टर्मिनेशन मार्क करने के बदले इनिशिएशन फैक्टर मार्क करके आ जाते हैं। सो बच्चों यहां है ना शॉर्टकट याद रखो, माई रोटी दे। अब माई में ना एम ए यानी माँ, अब मां और माई आई यानी इनिशिएशन फैक्टर, ये समझे बच्चों, और रोटी रो यानी रो फैक्टर, और टी यानी टर्मिनेशन फैक्टर। सो इसको वैसे याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब ये तीनों स्टेप्स का नामकरण कर देते हैं। जो पहला स्टेप है ना
दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, आरएनए बनना शुरू हुआ। सेकेंड स्टेप को बोलते हैं एलोंगेशन, आरएनए काफी लंबा हो रहा है। और थर्ड स्टेप को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन, आरएनए बनना खत्म हो चुका। बट अभी भी जो आरएनए निकला है इसमें से भाई, ये जो आरएनए भाई साहब निकले हैं यहां पे, ये अभी भी हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है, कच्चा आरएनए है। इसका और प्रोसेसिंग होना बाकी है जो हम यहां पे दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। बट ये तीन मेन स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। दिस इज स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री। और आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बनाने के लिए एक जो फैक्टर चाहिए दैट इज सिग्मा फैक्टर, दैट इज मा और माई, आई से इनिशिएशन फैक्टर, और आरएनए बनाने के प्रोसेस को खत्म करने के लिए रो फैक्टर चाहिए विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टर्मिनेशन फैक्टर। ये समझे? ओके चलो, अब अपना जो प्यारा सा डायग्राम है, जैसे कि हमारा बायो है, तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा सजा देता हूं बेटा। ये ना वो एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, सो इसको भी दिखाना जरूरी है डायग्राम में। ओके सो यहाँ पे हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम लग रहा है, बड़े मेहनत से बनाया। एक एक चौक बोर्ड पे घसना बहुत मेहनत लगती है बेटा, उसका सिमेट्री ये सब मेंटेन करना। बट तुम ये ना इसी तरीके से, इसी प्यार से इसको बनाओ, क्योंकि देखो हमारे लिए क्या है, यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। फाइन, सो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया यानी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। लाइन खींच देते बेटा, कुछ भी अगड़म बगड़म ना हो। आइश, ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स देखते हैं। अब ये जो आरएनए बना है ना, इसके साथ तीन प्रोसेस होगा, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। इट इज जस्ट लाइक कि किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है, सो उसके साथ तीन प्रोसेस होता है। उस प्रोडक्ट के शुरुआत में भाई कुछ ना कुछ लगाना होता है, फिर बीच में जो मटेरियल है उसमें से बेकार मटेरियल निकाल लेना होता है, और उसके अंत में कुछ लगाना होता है। जैसे अगर हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना, तो वीडियो बन चुका, पर वो जो वीडियो बना ना वो कच्चा वीडियो है। अब इसका एडिटिंग होगा, सो हर वीडियो के स्टार्टिंग में कोई ना कोई थंबनेल लगा दिया, या फोटो लगा दिया, या इंट्रोडक्शन गाना लगा दिया। सो दैट्स लाइक कैपिंग, कैप यानी हेड, यानी वीडियो के हेड में, शुरुआत में। फिर बीच में जितना काम का मटेरियल नहीं है, समझो वीडियो के बीच में भाई थोड़ा आवाज हो गया, तो थोड़ा अपने को कट करना पड़ेगा, दैट इज अ स्प्लाइसिंग। वैसे ही आरएनए में से जो काम का मटेरियल नहीं है उसको निकालना होता है, उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। फिर जिस तरह से वीडियो के अंत में फिर हम लोग और भी कुछ ना कुछ डाल देते हैं, कोई ना कोई गाना डाल देते हैं, या तो ये कहते हैं कि भाई चलो आगे और वीडियो देख लो, या ये सब्सक्राइब कर लो। हम वीडियो के शुरुआत और अंत में कुछ नहीं डालते, हम सिर्फ कंटेंट डालते हैं, और हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारा सब्जेक्ट, हमारा प्यार। ये कैसे ना, ये मेरे दिल में बस गया है बायोलॉजी, दिल के दरवाजे में कैद हो गया और दरवाजे की चाबी खो गई है, बोलो ये निकलता ही नहीं है मेरे दिल से। उसी तरह से तेरे दिल में भी बायो बसना चाहिए अगर तू डॉक्टर बनना चाहता है तो। तो वीडियो के अंत में भी ना, जैसे हम कुछ डालते हैं ना, सो उसको टेलिंग बोलते हैं, टेल यानी अंत वाला पार्ट। सो अभी कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग होगा, तब जाके
ये जो कच्चा आरएनए है ना ये पक्का आरएनए हो जाएगा, कच्चा पक्का, एग्जाम में लिखना नहीं, नहीं तो पक्का मार खाएगा तू। ओके एग्जाम में तुझे ये लिखना कि कच्चे आरएनए को बोला जाता है हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, और पक्के आरएनए को हम लोग फाइनली एमआरएनए नाम दे देंगे। तो चलो अब इस तरीके के तीन स्टेप्स को ड्रॉ करते बेटा। सो पहले वापस से मुझे डीएनए ड्रॉ करना है, फिर डीएनए का फूला हुआ हिस्सा, कॉइल वाला पार्ट, दैट शुड बी ओके, ज्यादा खराब तो नहीं बना ना बेटा। मेरा स्टूडेंट चला लेगा, मैं जानता हूं। ओके तू खाली कंटेंट पे ध्यान दे बेटा, मैं कोशिश करता हूं एकदम परफेक्ट करने के लिए तेरे लिए। ओके अब ये जो डीएनए बना है ना, यहां से भाई आरएनए निकल रहा है, आरएनए को निकाला जाए। आरएनए हाजिर हो। अब ये भाई साहब आरएनए है, ठीक है, नामकरण कर लेते भाई, 5' end, 3' end, 3' end, 5' end, स्ट्रैंड्स दिखा दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में, ओके अब ये जो आरएनए बना है इसको बोला जाता है हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, यानी भैया ये है कच्चा आरएनए। अब इसको करना है पक्का, सो इसमें तीन स्टेप्स करना पड़ेगा। पहला स्टेप देखो बड़ा आसान है, तुमको क्या करना है ना, और हाँ एक बात एक्चुअली मैंने यहां बताई नहीं, यहां बीच में थोड़ा सफेद सफेद ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। देखते जाओ ये वो आरएनए है, अब ये जो पीला वाला पार्ट है ना ये गंदा वाला हिस्सा, ये काम नहीं करता है, बट ये आरएनए में जुड़ा हुआ है। अब पहले स्टेप में क्या होता है ना, इस आरएनए के 5' end पे यहां पे एक कंपाउंड जोड़ दिया जाता है, उस कंपाउंड का नाम है एम जी पी पी पी, यानी ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर चाहो तो कई बार ये पाओगे बुक लिखता है एम जी टी पी, ऐसे भी लिख सकते हो, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ दिया जाएगा इसके हेड वाले एंड पे, शुरुआत वाले हिस्से पे 5' end पे, ये इसका 3' end है, क्योंकि हेड पे ये जोड़ दिया गया है इसलिए बच्चों इस स्टेप को बोला जाता है कैपिंग। तो ये पहला स्टेप है, सो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ दिया गया है। ओके अब मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फुल फॉर्म यहां लिख देता हूं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा अब कैपिंग होने के बाद ना इस आरएनए में कुछ कुछ हिस्सा बहुत गंदा है जो किसी काम का नहीं है, जैसे मैंने बोला कि वीडियो के शुरुआत में हम कोई ना कोई इंट्रोडक्शन वीडियो या म्यूजिक जोड़ देंगे, राइट, उसको बोलते हैं कैपिंग, शुरुआत में जोड़ दिया, बट बीच में वीडियो में जो काम का मटेरियल नहीं है उसको एडिट करके कट कर देंगे। वैसे ही इस कच्चे आरएनए में, बात ध्यान से सुनना, इस कच्चे आरएनए में जो मटेरियल काम का नहीं होता है ना उसको इंट्रॉन बोलते हैं, और जो मटेरियल काम का होता है उसको एक्सॉन्स बोलते हैं। इसमें से ये इंट्रॉन्स काम का नहीं है, क्रॉस मार दिया, एक्सॉन काम का है, सो इसमें से ये इंट्रॉन को काट काट के निकालना पड़ेगा। जैसे समझ लो कोई फैक्ट्री है, समझो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, अब बिस्किट तो तैयार हो गया, अब बिस्किट कैसा है ना कि तुरंत मार्केट में नहीं दिया जाएगा, उसका प्रोसेसिंग होगा, सो उस बिस्किट के शुरुआत में पैकेट का शुरुआत का हिस्सा बनेगा उसको बोलेंगे कैपिंग,
फिर देखा जाएगा बिस्किट में से जो खराब बिस्किट है, टूटे फूटे बिस्किट है, काम का नहीं है, शेप खराब है, उसको निकाल दिया जाएगा। सो खराब मटेरियल को निकाल देना, उसको बोलना स्प्लाइसिंग। फिर सारे अच्छे बिस्किट्स को लगा के उस रैपर, उस पैकेट का लास्ट एंड बनाया जाएगा और थप्पा लगाया जाएगा उस पर, तब जाके हम बोलेंगे बिस्किट रेडी हो गया। यानी रॉ मटेरियल जब फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, रॉ मटेरियल यानी ये जो कच्चा आरएनए है ना, ये इसका प्रोसेसिंग होगा तब जाके पक्का आरएनए बनेगा। इस कच्चे आरएनए को बोला जाता है हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब ये इंट्रॉन जो खराब मटेरियल है, यानी खराब बिस्किट है जो काम का नहीं है, या फिर वीडियो यूट्यूब वीडियो के हिसाब से वो मटेरियल जो अंदर ही अंदर बेकार है, काम का नहीं है ना, उसको एडिट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो इसको काट के निकाल देते हैं बेटा। अब इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ सफेद हिस्सा दिखा रहा हूं। यहां पर बैठे हैं मिथाइल, गोनोसिन, फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट यानी ट्राई फॉस्फेट फाइव डैश एंड पे, और ये है थ्री डैश एंड। सर वो इंट्रॉन किधर गया? येलो मटेरियल, येलो मटेरियल देख। अब इसको मैं काट दूं और ऊपर खींच लूं तो भाई ये यहां पे लूप बन जाएगा, ठीक है। यहां भी एक इंट्रॉन होगा समझो, उसको भी काट के निकाल दिया, यहां भी लूप बन जाएगा समझो, आगे भी एक इंट्रॉन था उसको भी काट के निकाल दिया, ये भी लूप बन जाएगा। सो यहां क्या छटाई हो रही है, कटाई छटाई हो रही है इंट्रॉन की पिटाई भी हो रही है। इस स्टेप को हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग। सो बच्चों स्प्लाइसिंग वाले स्टेप में क्या हो रहा है, स्प्लाइसिंग वाले स्टेप में इंट्रॉन जो है ना, जो काम का नहीं है, उसको स्प्लाइस कर दिया गया, उसको कट करके निकाल दिया गया। फिर अब आखिर में क्या होगा ना, ये फाइव डैश एंड है, यहां बैठा है एम जी पी पी पी, और यहां जो थ्री डैश एंड है ना, अब यहां पे बहुत सारा एडिनाइलेट नाम का कंपाउंड ऐड होगा, इसीलिए इसको पॉली एडिनाइलेशन भी बोलते हैं। एडिनाइलेट नाम का कंपाउंड जुड़ता है, एडिनाइलेट हैज 200 टू 300 रेसिड्यूज। एक एक पॉइंट थियरी के हिसाब से बड़े आराम से करवाऊंगा, वीडियो भले लंबा हो जाए बट तुमको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा बेटा। इस वीडियो के बाद तुमको ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड और किसी भी तरह का डाउट नहीं आएगा, और किसी भी मटेरियल को रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ओके। अब पॉली एडिनाइलेशन हो रहा है क्योंकि बहुत सारा एडिनाइलेट इसके लास्ट एंड पे अटैच हो रहा है, लास्ट एंड यानी टेल, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है टेलिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉली एडिनाइलेशन, दैट इज स्टेप नंबर थ्री। अब ये जो आरएनए तैयार हुआ ना, ये पक्का आरएनए है, और अगर ये स्ट्रेट रहा तो ये एम आरएनए है, ये आपस में फोल्ड हो गया तो आर आरएनए बन जाएगा, और क्लोवर लीफ मॉडल बन गया तो ये टी आरएनए बन जाएगा, ठीक है। सो यहां मान के चलते हैं बच्चों ये एम आरएनए है। सो अब मैं बोलूंगा कच्चे आरएनए से, हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए से पक्का आरएनए, प्रोसेस्ड आरएनए बन चुका है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सो यहां हम लोग मेंशन कर देते हैं कि भाई ये क्या बनाए हैं, ये बनाए हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब कैसा है ना, बोर्ड भर गया इसलिए नेमिंग यहां कर रहा हूं, इन यूकैरियोट्स। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे एटीपी, एटीपी यानी अवस्थी तगड़ा पढ़ाता है मेरे कुछ बच्चे मुझे बोला करते हैं, एनीवे फाइन। अब तुम्हें ना बच्चों ये ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स का टाइटल बड़े में ऊपर लिख देना, या तो यहां जहां ये डायग्राम खत्म हो रहे ना वहां लिख देना, ठीक है। मैं इसको कोने में निपटा देता हूं। सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, whereas ये लास्ट वाला जो हमने पढ़ा ना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसको नेम कर देते हैं। अब ना मैं एक और पॉइंट तुम्हारे सामने रख देता हूं ताकि मेजॉरिटी पार्ट अपना यहां क्लियर हो जाएगा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अच्छा, अब डीएनए के दो स्ट्रैंड में से हमने क्या सीखा था, जो स्ट्रैंड डीएनए का जो स्ट्रैंड आरएनए को बनाता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो बच्चों डीएनए के उस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कोई ना कोई तो नाइट्रोजन बेस होगा, समझो यहां एडिनिन है, यहां थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऐसा सीक्वेंस है। सो समझो टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस लिखते हैं, एडिनिन,
थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, रैंडमली लिखा मैंने, ठीक है। ये टेम्पलेट स्टैंड है, थ्री डैश से फाइव डैश इसका डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके सामने जब डीएनए आपस में चिपका था, सो यहां अगर एडेनिन है तो उसके सामने थाइमिन होगा, सो यहां अगर एडेनिन है तो यहां थाइमिन होगा ना उसके सामने, सो यहां क्या बनेगा थाइमिन, यहां क्या बनेगा एडेनिन, फिर थाइमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन और गुआनिन, ये है 5-2-3- डायरेक्शन। ये था टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहां क्या हो रहा है, यहां हमारा वही वाला रूल लग रहा है, आत्माराम, तुकाराम, भीड़े, आत्माराम यानी एडेनिन, तुकाराम यानी थाइमिन, भीड़े यानी डबल बॉन्ड, चंपकलाल गढ़ा, उसका पोता टप्पू, टप्पू मींस ट्रिपल बॉन्ड, चंपकलाल यानी साइटोसिन, गढ़ा यानी गुआनिन। सो एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, या उल्टा बोलो थाइमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ता है, दूल्हा दुल्हन से शादी करता है, या बोलो दुल्हन दूल्हे से शादी करता है, शादी हो रही है ना, हमको खाने से मतलब ओके। साइटोसिन गुआनिन से जुड़ रहा है या गुआनिन साइटोसिन से जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यानी दोनों स्ट्रैंड ना डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इधर एडेनिन आया ना तो उसके सामने थाइमिन आएगा, यहां नीचे अगर एडेनिन आया तो उसके सामने थाइमिन आएगा, यहां साइटोसिन आया तो उसके सामने गुआनिन आएगा, उस तरह से लपेटे होते हैं। अब ये दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके यहां लिख दिया, सो उस तरह से दोनों का सीक्वेंस लिखा है। अब हम जानते हैं भाई टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, यानी आरएनए यहां बनेगा, सो आरएनए जब बनता है ना तो खाली इतना होता है कि एडेनिन में उसके सामने थाइमिन के बजाय यूरासिल आएगा, सो उसमें आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। सो अब तुमको एग्जाम में ना ऐसा कोई भी एक सीक्वेंस दे देंगे, बोलेंगे कि भाई देखो ये सीक्वेंस है, इसमें से ना ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है, सो जो आरएनए बनेगा ना उसमें क्या सीक्वेंस होगा। अब दो तरीका है, एक या तो तुम अल्फाबेट बाय अल्फाबेट चलो, टेम्पलेट स्ट्रैंड में एडेनिन है सो एडेनिन के सामने यूरासिल आएगा, क्योंकि आरएनए में तो थाइमिन होता ही नहीं है बेटा, सो यहां मैं लिख देता हूं आरएनए का सीक्वेंस, सो बनने वाले आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा वो देखते हैं। फिर यहां थाइमिन है तो थाइमिन के सामने एडेनिन, यहां थाइमिन है तो भाई यहां एडेनिन, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन यूरासिल, यूरासिल थाइमिन साइटोसिन एडेनिन गुआनिन, सो आरएनए का सीक्वेंस ही होगा। यानी या तो एक एक अल्फाबेट अलग करो, वन सेकेंड, एक शॉर्टकट ट्रिक ऐसा है योयो स्टाइल में, जो भी आरएनए बनेगा ना उसका कोड इसकी तरह ही होगा, इसीलिए इसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। सिर्फ फर्क इतना होगा ना, जहां जहां पर थाइमिन है ना उसके बदले यूरासिल लगा देना, यानी सेम आंसर में ना सेम ही आंसर कॉपी पेस्ट ढूंढना। अब जैसे देखना ए ए जी सी ए जी, ए ए जी सी ए जी, और जहां जहां टी लगा ना उधर यू लगा देने का, यानी आंसर में ना सीधा इसके साथ मैच करने की कोशिश करना और थाइमिन के बदले यूरासिल लगा देना, क्योंकि बनने वाले आरएनए का कोड इस स्ट्रैंड की तरह होता है, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और इसी का डायरेक्शन एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है। ये समझे बच्चों? चलो फोटो ले लो इसका, ऑलराइट, चलो बेटा कंटिन्यू करें। अब ना हम लोग इसका पूरा का पूरा जो है ना इसका नोट्स कवर कर लेते हैं बच्चों। सो अब ये नोट्स में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज ऑल अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। अब सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, दैट मींस नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। हम लोग को ये जो कहा जाता है स्कूल सेक्शन के नॉलेज से, स्कूल सेक्शन का नॉलेज हमको क्या सिखाता है कि हमारे पेरेंट्स के जीन्स हम में आए हैं, पेरेंट्स का डीएनए हम में आया है और उसके वजह से कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। अब बहुत जरूरी बात यह है बच्चों कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है ना, यानी वो कैरेक्टर से संबंधित कोई ना कोई प्रोटीन बनता है सेल के अंदर। यानी अगर समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे जो स्किन का कलर है उसके लिए मेरे पेरेंट्स का है ना डीएनए है मेरे पास। अब सबसे जरूरी, डीएनए काफी लंबा होता है बट डीएनए का वो टुकड़ा जो एक कैरेक्टर डिटरमाइन करेगा ना उसको जीन बोलते हैं। यानी स्किन कलर के लिए ना मेरे पेरेंट्स से मेरे में एक जीन आया है,
तो जीन क्या करता है ना, डीएनए का वो टुकड़ा क्या करता है, वो एमआरएनए बनाता है, आरआरएनए बनाता है, टीआरएनए बनाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये सब आरएनए मिलके ना प्रोटीन्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और वो प्रोटीन कुछ इस तरह का स्किन पिगमेंट होता है, इस तरह का स्किन कलर होता है कि जिसके वजह से मेरा स्किन कलर तय होता है। आसान शब्दों में कि हमारे जो भी कैरेक्टर्स, जो भी गुण नजर आते हैं और हम स्कूल डेज में जो पढ़ते हैं ना कि ये हमारे पेरेंट्स के डीएनए के वजह से, पेरेंट्स के जीन्स के वजह से, यानी वो डीएनए और जीन क्या करता है, आरएनए बनाएगा और वो आरएनए प्रोटीन बनाएगा। इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डीएनए और जीन्स क्या करते हैं ना, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाते हैं, नया गुण लाते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन्स के माध्यम से। सो सब कुछ प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन सिंथेसिस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की इतनी बात क्यों हो रही है, यानी भाई प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंस क्या है? सो नंबर वन, स्कूल लेवल से हमको पता है प्रोटीन्स इज नेसेसरी फॉर रिपेयर ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ बॉडी। बॉडी में कभी कट फुट गया, नया स्किन आएगा, वो प्रोटीन का होता है बेटा। अपने स्किन, हेयर और नेल में खास किस्म का प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं केराटिन। हेयर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको ट्राइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो तरह तरह के शैम्पू में, तरह तरह के प्रोसीजर में वो लोग बोलते हैं केराटिनाइजेशन कर रहे हैं तुम्हारे बालों का, जिससे बालों की चमक और बालों का अपियरेंस एडवर्टाइजमेंट ये सब आता है ना, वो इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो भी प्रोटीन का बना होता है। सो वेयर एंड टेयर रिपेयर करवाता है। अच्छा, और सेकेंड पॉइंट यहां से लिखते हैं बेटा, हमारे स्किन, हेयर और नेल्स के अंदर केराटिन नाम का प्रोटीन है। हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो जर्म्स से लड़ते हैं, उनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं, ये भी एक तरह का प्रोटीन है। हमारे ब्लड में अल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन इम्यूनोग्लोब्यूलिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग करवा के देता है। सो ये सब के सब हमारे ब्लड के प्लाज्मा में है। सो दीज आर प्लाज्मा प्रोटीन्स। बोन्स और कार्टिलेज के अंदर भी प्रोटीन का पार्ट होता है। बोन्स में वो ऑसिन नाम से जाना जाता है और कार्टिलेज में वो कॉन्ड्रिन नाम से जाना जाता है। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को हम बोलते हैं मायोसिन और एक्टिन। और तो और हमारे ज्यादातर हॉर्मोन्स और ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स ये भी प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, राइट? सो कैसे है ना बच्चों की प्रोटीन का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें तो हमारे मसल के अंदर मायोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है मसल को, और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, वो भी प्रोटीन का ही हिस्सा है। सो हमारे बॉडी के मैक्सिमम कंपोनेंट में, मैक्सिमम फंक्शनिंग में प्रोटीन बड़ा काम आता है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना याद रखना है, अगर मेरे पास समझो कर्ली हेयर है, सो हम क्या बोलते हैं कि हमारे मदर और फादर से वो गुण आया है, मदर और फादर का डीएनए आया है। अब डीएनए में तो बहुत सारे जीन्स होंगे, उसमें से हेयर को डिटरमाइन करने वाला जीन, यानी डीएनए का वो टुकड़ा जो मेरे बालों के शेप को डिटरमाइन करेगा, उस टुकड़े को मैं जीन बोलूंगा। अब वो जीन, डीएनए का वो टुकड़ा क्या करता है, आरएनए बनाता है। आरएनए क्या करता है, आपस में मिलके प्रोटीन बनाता है, और ऐसा खास किस्म का प्रोटीन बनाएंगे ना जिसके वजह से बाल कर्ली ही उगेगा।
अब इसके लिए और डिटेलिंग में जाना जरूरी है. सो डेफिनेशन देखते हैं कि भैया प्रोटीन्स क्या होते हैं. सो प्रोटीन्स का डेफिनेशन एक लाइन में याद रखो, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. सुनते जाओ ध्यान से, हाँ, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. समझो, ये है अमीनो एसिड नंबर वन, अमीनो एसिड नंबर टू, अमीनो एसिड नंबर थ्री, अमीनो एसिड नंबर फोर, अमीनो एसिड नंबर फाइव. ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज के माध्यम से जुड़ते हैं तब मैं बोलता हूं पॉलीमर तैयार हो गया. अमीनो एसिड क्या है? मोनोमर है. यानी ये रेलवे ट्रेन है, रेलवे ट्रेन का जो डब्बा है, एक एक कोच है, एक एक डब्बा है ना, वो अमीनो एसिड है, उसको मोनोमर बोलने का. और पूरी गाड़ी को पॉलीमर बोलो, उदाहरण के तौर पे पूरे रेलवे ट्रेन को प्रोटीन बोलो. सो प्रोटीन क्या होता है? ये अमीनो एसिड्स के बने होते हैं. अब अमीनो एसिड्स के बहुत सारे टाइप है, जैसे मिथियोनिन है, ग्लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, सेरिन है, फिनाइल एलेनिन है. अमीनो एसिड से रिलेटेड एक पूरा का पूरा जेनेटिक कोड का एक ट्रिक्स वाला लेक्चर है जो मैंने इसी चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा. अब बच्चों बात ऐसी है कि अलग अलग किस्म के अमीनो एसिड्स होते हैं. सर ये अमीनो एसिड्स के टाइप अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब का नंबर अलग अलग होता है. सो अमीनो एसिड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं. अप्रोक्सीमेटली मेन 20 अमीनो एसिड्स कंसिडर करना है, 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं. सो ये सब अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हैं. अब हर अमीनो एसिड के लिए ना एक खास तरह का टीआरएनए होता है. तो समझो इस अमीनो एसिड को सेल के अंदर लाने का काम है टीआरएनए 1 का, इसको लाने का काम है टीआरएनए 2 का. तो भाई इसके लिए होगा अलग किस्म का टीआरएनए, लेट्स से टीआरएनए 3, इसके लिए होगा टीआरएनए 4 और इसके लिए होगा टीआरएनए 5. मेरे बात ध्यान से सुनो, यानी हर अमीनो एसिड को सेल के अंदर जगह पे पहुंचाने का काम है टीआरएनए का. टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए. सो ये अमीनो एसिड का ट्रांसफर करवा के देता है. अब ये टीआरएनए अमीनो एसिड, स्पेसिफिक अमीनो एसिड किसके कहने पे लाएगा? ये लाएगा एमआरएनए के कोडोन के कहने पे. सो दिस इज गोइंग टू कैरी स्पेसिफिक अमीनो एसिड डिपेंडिंग अपॉन द कोडोन ऑफ एमआरएनए. अब कोडॉन क्या होता है? कोडॉन मतलब एमआरएनए के ऊपर 3 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं. जैसे समझो ये एमआरएनए और इस पे भाई ए यू जी, ये 3 अल्फाबेट है. इस 3 अल्फाबेट के ट्रिपलेट को, इसके झुंड को बोलने का कोडॉन. अगर ए यू जी अल्फाबेट है एमआरएनए पे तो वही वाला टीआरएनए आएगा जिसके पास अमीनो एसिड है मिथियोनिन. ओके, सो एमआरएनए पे ऐसे फिर यहां सीसीसी होगा, जीसीसी होगा, एसीसी होगा, ऐसे अलग अलग पैटर्न में अल्फाबेट्स होते हैं. सो एमआरएनए पे जो कोडॉन है ना उसके अनुसार स्पेसिफिक टीआरएनए आता है और स्पेसिफिक टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड ले आता है. और ये अमीनो एसिड जब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़ते हैं ना तब जाके प्रोटीन्स बनते हैं. अब ये एमआरएनए का कोडॉन कौन तय करता है? एमआरएनए का कोडॉन, दिस कोडॉन इज डिसाइडेड बाय डीएनए. क्योंकि ये एमआरएनए पैदा कहां हुआ? डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ना, एक स्ट्रैंड पे पैदा हुआ. सो प्रोटीन जो हमारे बॉडी के कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, अब वो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं. वो अमीनो एसिड कब आएगा? जब टीआरएनए उसको पकड़ेगा. वो टीआरएनए कब आएगा? जब एमआरएनए का एक स्पेसिफिक कोड आएगा. और वो कोड कौन डिसाइड कर रहा है? डीएनए. यानी आसान शब्दों में जब भी हम लोग बोलते हैं कि डीएनए का टुकड़ा जिसको बोलते हैं जीन्स, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स इन अवर बॉडी. मेरे माता पिता के अलग अलग जीन्स मेरे शरीर में अलग अलग कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं. एक जीन ऐसा मिला है जिसके वजह से मेरे बाल कर्ली है, एक जीन ऐसा मिला है जिसके वजह से मैं गोरा हूं, एक जीन ऐसा मिला है जिसके वजह से लेट से मेरा ईयर लोब फ्री है, अटैच नहीं है. सो अलग अलग तरह के जीन्स अलग अलग कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं. ये हम स्कूल डेज से जानते हैं. अब एडवांस बायोलॉजी में ये सीखना जरूरी है
यानी ये अलग अलग तरह के जीन्स जो है ना, ये क्या करते हैं, ये एमआरएनए बनाते हैं, ये आरआरएनए बनाते हैं, ये टीआरएनए बनाते हैं, और ये सब आरएनए आपस में मिलके फिर बना देते हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है ना, ये आगे पीछे हो गया, समझो, ये मिथियोनिन है पहले, फिर ग्लाइसिन है, फिर सेरिन है, बट अब मिथियोनिन के बदले सेरिन सेरिन ग्लाइसिन आ गया, तो अलग किस्म का प्रोटीन बन जाएगा, स्किन के बदले हेयर वाला प्रोटीन बन जाएगा। सो ये अलग अलग प्रोटीन्स फिर अल्टीमेटली कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। तो अब हम आ रहे हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है, अब यहां से मेन आंसर शुरू होता है। यानी बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस का बेसिक आइडिया क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के बेसिक आइडिया को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डॉगमा, डॉगमा मीन्स सेंट्रल आइडिया, इसको हिंदी में मत ले जाना, डॉग यानी कुत्ता, मां यानी मां, कुत्ते की मां, बायो का मर्डर हो जाएगा इधर। सेंट्रल आइडिया ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रल आइडिया ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में हो क्या रहा है, उसमें यह हो रहा है कि भाई डीएनए आरएनए को पैदा कर रहा है, ओके, और आरएनए जो है ना, तरह तरह के आरएनए, आरएनए यानी एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सब आरएनए आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं प्रोटीन्स। अब बहुत ही जरूरी बात ये है बच्चों, ये याद रखना कि डीएनए जब आरएनए को बनाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और ये सब आरएनए आपस में मिलके जब प्रोटीन बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। बहुत ही ज्यादा जरूरी ये है कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहां होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। फिर जब एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए बन जाता है ना, तब ये न्यूक्लियस से बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म में। सो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहां होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। मैं तुमसे ना यही कह रहा था उदाहरण के तौर पे, साउथ इंडियन डायरेक्टर है, उसके पास अच्छी सी स्टोरी है, तो उसने जो स्क्रिप्ट लिखा है ना, वो स्क्रिप्ट उसने हिंदी पिक्चर के डायरेक्टर को दे दिया। सो स्क्रिप्ट ट्रांस हो गई, स्क्रिप्ट चेंज हो गई ना, वो स्क्रिप्ट गई इसके पास। सो डीएनए क्या करता है ना, ये बताता है कि मम्मी पापा के अनुसार एडिनिन एडिनिन थाइमिन है, तो आरएनए को बताना था। अब आरएनए क्या कॉपी करता है, एडिनिन के बदले ले लेता है यूरासिल, फिर नेक्स्ट एडिनिन के बदले यूरासिल, थाइमिन के बदले ले लेता है एडिनिन। सो आरएनए को स्क्रिप्ट मिल गया, आरएनए यानी हिंदी पिक्चर के डायरेक्टर ने उसको अपनी भाषा में समझ लिया। अब वो उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करता है, अच्छे से समझता है, और सारे हीरो हीरोइन को एक सीक्वेंस में लगा देता है ताकि स्टोरी वैसी ही बने जैसी हो। पिक्चर में स्टोरी होती है ना, शुरुआत, मिडल वाला पार्ट, क्लाइमैक्स। अब सीक्वेंस अगर बदल दिया तो भाई कहानी बदल जाएगी। वैसे अमीनो एसिड का अगर सीक्वेंस बदल गया तो अलग किस्म का प्रोटीन बन जाएगा, जैसे मिथियोनिन सेरिन सेरिन ग्लाइसिन है, तो समझो केराटिन बन रहा है, बालों का प्रोटीन। अब मिथियोनिन ग्लाइसिन 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 ट्रिप्टोफैन, अलग अमीनो एसिड आ गया, सीक्वेंस बदल गया भाई, या तो अमीनो एसिड का नंबर बदल जाएगा या तो सीक्वेंस बदल जाएगा। सो उसके बदले एक्टिन बन जाएगा, मायोसिन बन जाएगा, कोई भी प्रोटीन बन सकता है बच्चों, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ना एक उल्टा प्रोसेस भी याद रखो, हाँ कई बार एक डेफिनेशन भी आ सकता है कि सेंट्रल डॉगमा क्या है, सेंट्रल डॉगमा इज यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन फ्लो। यूजुअली जो भी जानकारी है जेनेटिक मटेरियल के पास, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है, डीएनए से आरएनए के पास जाता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। बट कई बार ये उल्टा हो जाता है, वेरी रेयरली डीएनए आरएनए को पैदा करता है। देखो, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जन्म दिया बवाल हो जाएगा इस बात पर। बट कई बार कैसा होता है ना कि आरएनए डीएनए को पैदा करने को देखता है। अब ये नॉर्मल है, जब ये उल्टा करोगे तो ये खराब बात है भाई, ये बुरी बात है, तो ये इन्फेक्शन वाली बात हो गई। तो अब कैसा होता है ना, कुछ कुछ मामले में ऐसा होता है, आरएनए डीएनए बनाता है। अब जैसे इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम चाहिए होता है, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस,
और ये अक्सर ना उल्टे वायरस में होता है, उल्टा यानी रेट्रो, ये अक्सर रेट्रो वायरस में देखा गया है और राइबो वायरस में होता है। और रेट्रो वायरस का सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल है एचआईवी वायरस, जिसके वजह से एड्स होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का एक सेपरेट लेक्चर बनाया जाएगा तब तुम देख सकते हो। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि रेट्रो वायरस और राइबो वायरस में उल्टा होता है, ये लोग अपने आरएनए की मदद से भाई डीएनए बनाने को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। तो बेटा आरएनए की मदद से डीएनए बनाने को देखते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, इसको ढूंढा था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम है टेमिन एंड बाल्टीमोर। सर ज्यादा बाल्टी वाला आ गया ये बाल्टी वाल्टी यानी बकेट नहीं है, इनका नाम है टेमिन और बाल्टीमोर ने ये ढूंढा था। और ये जो सेंट्रल डॉगमा है प्रोटीन सिंथेसिस का, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रिक। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ऑलराइट कंटिन्यू करो बच्चों। अब इस प्रोसेस को आगे समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड नंबर वन व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटैरिटी। अभी अभी मैंने तुमको ये डायग्राम में समझाया था। कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब होता है कि अगर डीएनए की बात करें ना, तो आत्माराम, तुकाराम, भीड़े, चंपकलाल, गड़ा, उसका पोता टप्पू, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, या तो चाहिए तो उल्टा बोल लो भाई, थाइमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ेगा, चंपकलाल गड़ा साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ेगा, या उल्टा बोल लो ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। दिस इज द कॉम्प्लीमेंटैरिटी इन डीएनए। बट यही चीज आरएनए में कैसी होगी? आरएनए में थाइमिन जहां है ना थाइमिन थाइमिन, उसके बदले यूरासिल लगाना है। सो वहां एडेनिन यूरासिल के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन ग्वानिन का रूल सेम होगा, और यूरासिल एडेनिन के साथ जुड़ेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये याद रखो, दिस इज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ओके सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या फर्क है। सो बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन में हमको ये याद रखना है कि टोटल डीएनए सेगमेंट कॉपी होता है, टोटल डीएनए सेगमेंट कॉपी होगा। बट ट्रांसक्रिप्शन में कैसा होता है कि डीएनए का एक टुकड़ा कॉपी होता है, सो देयर इज ओनली अ पार्ट ऑफ डीएनए जो कॉपी होगा। ओके दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। जैसे समझो ये डीएनए है, ये अनकॉइल हो गया, सो ये पूरा का पूरा कॉपी होगा, यहां पे एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, ये पूरा का पूरा कॉपी होगा, यहां पे एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, ये दोनों आपस में कॉइल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कॉइल हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। बट ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन में समझो ये डीएनए, इसको अनकॉइल करते हैं, अब ये दो स्ट्रैंड में से ना कोई भी एक स्ट्रैंड जो आरएनए बनाएगा उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाता उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और रेफरेंस हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड का लिया जाता है। अब ये स्ट्रैंड का ना एक टुकड़ा, सिर्फ इतना पार्ट कॉपी होगा तो ये आरएनए बनेगा, फिर ये आरएनए के साथ कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग होगा, ठीक है, सुनते जाओ ध्यान से। सो यहां ओनली अ पार्ट ऑफ डीएनए अंडरगोस कॉपी। अब ये ट्रांसक्रिप्शन को और डिटेल में लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहली बात ये याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल।
सेल साइकिल के G1 और G2 फेज में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये याद रखो। नेक्स्ट, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ DNA मेक्स RNA। DNA के दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड ही RNA को बनाता है। दिस स्ट्रैंड विच मेक्स RNA इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। मूविंग ऑन, अब दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जो RNA बना रहा है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। बट RNA बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम है RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज क्या है? RNA पॉलीमरेज इज द एंजाइम विच कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ RNA। RNA पॉलीमरेज इज द एंजाइम विच कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ RNA। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बैक्टीरिया में, यानी प्रोकैरियोट्स में, सिर्फ एक ही तरह का RNA पॉलीमरेज होता है। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज एंजाइम। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज एंजाइम और ये एंजाइम अकेला खुद तीनों तरह का RNA बना देगा, mRNA, rRNA, tRNA। बट हमें ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में तीन अलग अलग RNA बनाने के लिए अलग अलग किस्म के RNA पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। सो यूकैरियोट्स हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज एंजाइम। इसको हम लोग बोलते हैं RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3। अब सुनो, ये टॉपिक ना तुमको बहुत रुलाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स विद योयो बायो, ट्रिक्स बता रहा हूं, ये टॉपिक तुमको बहुत रुलाएगा। पर मेरा बेटा तू रो मत, दैट इज अ फर्स्ट ट्रिक। रो मत, R से rRNA, M से messenger RNA, T से tRNA। ये टॉपिक तुमको बहुत ज्यादा रुलाएगा, बट भाई बेटा तू रो मत। रो मत में RNA पॉलीमरेज 1 रो यानी rRNA बनाएगा, मत RNA पॉलीमरेज 2 mRNA और मत का त दैट इज tRNA, पॉलीमरेज 3 जो है ना वो tRNA बनाएगा। अब बात सुनते जाओ, अब तू रो मत, RNA polymerase 1 will manufacture rRNA, RNA polymerase 2 will manufacture mRNA and RNA polymerase 3 will manufacture tRNA। रो मत। क्यों रो मत? क्योंकि हम बहुत महान हैं और हम सबसे टस्सन ले सकते हैं। अब महान ये देखो और टस्सन, ये दूसरा टेक्निक है। अब महान यानी mRNA तो बनाता ही है, उसके साथ साथ hnRNA भी बनाता है। इसका फुल फॉर्म है हेटरोजीनियस न्यूक्लियर RNA। और टसन में टी यानी RNA पॉलीमरेज 3, tRNA तो बनाता ही है, उसके साथ साथ snRNA भी बनाता है। snRNA यानी स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ये समझा बेटा? अच्छा, अब मेरी बात सुनते जा ध्यान से। अब इसमें जो rRNA है ना, इसमें 28S, S यानी स्वेडबर्ग यूनिट,
18s और 5.8s कंपोनेंट्स होते हैं। s यानी स्वेडबर्ग यूनिट, यहां लिख देता हूं, इसको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। इट इज द रेट एट विच द पार्टिकल सेटल्स डाउन इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ये हमने बेसिक लेक्चर में कवर किया है, जहां हमने सेल के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस किया है। सो कैसा है ना कि जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है ना, तो अलग अलग पार्टिकल अपने डेंसिटी के हिसाब से सेटल होते हैं, उसको हम लोग स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, विच इज नेम्ड आफ्टर दिस गोरा चाचा कॉल्ड एज स्वेडबर्ग। सो 28 साल का लड़का 18 साल की लड़की से लगभग 5.8 साल से प्यार कर रहा है, इनका रिलेशनशिप 5.8 इयर्स से चल रहा है, ऐसे याद रख लेना बेटा इसको, ठीक है। अब ये जो एस एन आर एन है ना, यहां पे 5 स्वेडबर्ग यूनिट वाला आर आर एन ए भी बनता है यहां पे। अब ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, ये तुमको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। सो ये है अलग अलग तरह के आर एन ए पॉलीमरेज, जहां पे मेन टेक्निक है, टॉपिक रुलाएगा तू रो मत, हम महान से महान लोगों के साथ टसल ले सकता है, ये समझे बच्चों? ऑल राइट, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल राइट बच्चों, कंटिन्यू करें। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू रिमेंबर दैट ट्रांसक्रिप्शन जो पूरा प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस स्टार्ट्स एट प्रोमोटर रीजन। डीएनए का वो टुकड़ा जहां पे चालू होगा उसको प्रोमोटर रीजन बोलेंगे, एंड इट स्टॉप्स एट टर्मिनेटर रीजन। ओके, प से प्रोमोटर, प से 5 यानी 5' एंड टी से टर्मिनेटर, टी से 3, ये 3' एंड पे होता है, और ये 5' और 3', ये कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस है। इस बारे में पूरे नोट्स में लिखता हूं बोर्ड पे, एक एक चीज लिखूंगा, तुम ध्यान दो बेटा, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए समझो ये डीएनए है, अब डीएनए का ये वाला पार्ट आरएनए नहीं बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ये वाला पार्ट आरएनए बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे वो टुकड़ा, समझो ये पूरा का पूरा इतना टुकड़ा ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, शुरुआत में जो होता है उसको बोलते हैं प्रोमोटर, फिर नेक्स्ट जो आता है बीच वाला पार्ट उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटर। अब ये तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ओके, स्टार्टिंग विथ प्रोमोटर फर्स्ट। याद रखना, वो स्ट्रैंड डीएनए का जो आरएनए को बना रहा है वो टेम्पलेट है, जो नहीं बना रहा है वो कोडिंग है, बट रेफरेंस इसी का लिया जाता है, 5', 3', जो भी डायरेक्शन लेंगे ना वो इसके हिसाब से लिया जाएगा। प्रोमोटर, प्रोमोटर इज एट 5' एंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपस्ट्रीम एंड, इट इज एट 5' एंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपस्ट्रीम एंड, एंड इट इज दैट डीएनए सीक्वेंस विच अलाउज बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, विच अलाउज बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये सही है, सो इट अलाउज बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब सबसे जरूरी बात यह है बच्चों कि बैक्टीरिया में, दैट इज एन ई कोलाई, जैसे कि ई कोलाई,
सो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन बाइंड बिकॉज ऑफ इनिशिएशन फैक्टर विच इज कॉल्ड एज ए सिग्मा. सो इनमें सिग्मा फैक्टर होता है एंड दिस सिग्मा फैक्टर इज कॉल्ड एज इनिशिएशन फैक्टर. ओके, देन नेक्स्ट कमिंग टू स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन में मेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है. बट ये जो एंजाइम है ना आरएनए पॉलीमरेज, इट कैन कैटलाइज न्यू आरएनए फॉर्मेशन ओनली इन 5-2, 3- डायरेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिख दिया बच्चों. जैसे डीएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार बच्चों आरएनए को बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है. चाहे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो, ये दोनों एंजाइम नया डीएनए का टुकड़ा एक के बाद एक रखना, जैसे हम पूरी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो एक के बाद एक ईंट रखते जाते हैं, करेक्ट है. सो एक डायरेक्शन होता है ना कि एक के ऊपर एक ईंट रखना है, कि राइट टू लेफ्ट रखना है, कि लेफ्ट टू राइट रखना है. उसी तरह से जब नया डीएनए या आरएनए बनता है ना, तो ये लोग हमेशा नया नया न्यूक्लियोटाइड 5-3- डायरेक्शन में ही रख पाएंगे. प्लीज रिमेंबर, ये खतरनाक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए पॉलीमरेज विल ऑल्सो पॉलीमराइज न्यू डीएनए फॉर्मेशन इन 5-3- डायरेक्शन. एंड माई डियर स्टूडेंट्स, आरएनए पॉलीमरेज विल ऑल्सो पॉलीमराइज न्यू आरएनए फॉर्मेशन ओनली इन 5-3- डायरेक्शन. इसीलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसीलिए अब समझो, इसी डीएनए का बीच वाला टुकड़ा ना, मैं काफी जूम कर देता हूं. ठीक है, अब समझो ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये आरएनए बना रहा है, तो यहां नया आरएनए बनेगा, ये नया आरएनए बना. अब डेफिनेटली आरएनए समझो ऊपर से नीचे बने या नीचे से ऊपर बने, कैसे भी डायरेक्शन रख दो, बट उसका डायरेक्शन कैसा होगा, हमेशा 5-3, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज है ना, हमेशा 5- से शुरू करते हुए 3- तक नया आरएनए का टुकड़ा एक के बाद एक रखते जाएगा. अब इसीलिए यहां 5- बना, तो भाई इसके आगे यहां क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3- डायरेक्शन और ये हो जाएगा 5- डायरेक्शन. ठीक है, अब इसको ना अगर मैं घुमा के ऐसे रख दूं, देख बात ध्यान से, हाँ, सो ये वाला जो स्ट्रैंड है ना, ये हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड. ओके, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या बन जाएगा, 3-2, 5-, और इसमें जो नया आरएनए बना, आरएनए बना देता हूं, ये आरएनए है और ये नया आरएनए, तो हमेशा भाई 5-3 डायरेक्शन में ही बनेगा. अब टेम्पलेट स्ट्रैंड के आगे ये जो स्ट्रैंड है ना, अगर यहां 5- है तो भाई इसका यहां 3- आएगा, ये 3- है तो यहां 5- आएगा. सो यहां से यहां काट के अब ये लाइन को नीचे रख देता हूं. देखो सब लोग ध्यान से, सो ये है 5-3 डायरेक्शन और ये आरएनए नहीं बना रहा है, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. अब यहां पे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. एक क्या है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होगा, 3-5, ब्रैकेट में लिख देता हूं 3-5, और टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए बनाता है. सो इसके ऊपर लिख देते हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए. सो सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस कोडिंग स्ट्रैंड में. क्या याद रखोगे, डायरेक्शन क्या बनना है इसका, 5-3, एंड कोडिंग स्ट्रैंड में आरएनए का सिंथेसिस नहीं होता है बेटा. सो क्रॉस कर देते हैं, आरएनए सिंथेसिस नहीं होता है. बट आखिरी बात ये, अब जब आरएनए बनता है ना, तो यहां पे ओके, यहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और ये वाला हिस्सा प्रोमोटर है, तो चलो ये पूरा शेड कर लेते हैं, ये पूरा प्रोमोटर है. तो प्रोमोटर कौन से एंड पे, 3- एंड पे, नहीं, ये कभी नहीं पढ़ने का. सो प्रोमोटर कहां है, 5- एंड पे, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस स्ट्रैंड माना जाता है. कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस स्ट्रैंड माना जाता है.
ये बात मैंने दो तीन बार बोला है इस लेक्चर में, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस आरएनए की तरह ही होगा, कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस एंड आरएनए सीक्वेंस विल बी सेम। खाली फर्क कितना होगा कि कोडिंग स्ट्रैंड में जहां जहां पर थाइमिन है, दैट थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, ये याद रखना है। सो द सीक्वेंस विल बी सेम एक्सेप्ट थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, ये याद रखना, ठीक है। फिर जैसे प्रोमोटर है वैसे ही ना लास्ट में एक आता है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर पे मल्टीपल चॉइस क्या बनता है, प्रोमोटर 5' एंड पे, टर्मिनेटर 3' एंड पे होगा, और इसको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम एंड। दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम एंड, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली टर्मिनेटर में खास करके बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए उनके पास सिग्मा फैक्टर होता है, तो प्रोसेस को खत्म करने के लिए, अच्छा सिग्मा का सिंबल ऐसा बनेगा फिजिक्स के हिसाब से, तो खत्म करने के लिए इनके पास रो फैक्टर होता है। सो ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग, ये सिंबल है रो, ऐसे लिखते हैं ना बेटा। सो रो फैक्टर इज कॉल्ड एज ए टर्मिनेशन फैक्टर, रो फैक्टर इज कॉल्ड एज ए टर्मिनेशन फैक्टर। और इसका शॉर्ट ट्रिक कैसा था, सिग्मा मा, सो मा को बोलो माई, और रो उसमें टी लगा दो, रोटी, माई हमको रोटी देती है, अब मा यानी सिग्मा, आई यानी इनिशिएशन फैक्टर, रोटी रो यानी रो, और टी यानी टर्मिनेशन। सो ये हमारा ट्रिक बन जाएगा बेटा, ये समझे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ऑलराइट, अब ना बच्चों एनसीईआरटी टेक्सटबुक में एक सवाल है, आगे कंटिन्यू करते हैं। सवाल ये है कि व्हाई, क्यों, ओके, व्हाई बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, व्हाई बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स डू नॉट पार्टिसिपेट और यू कैन से डू नॉट कॉपी इन ए ट्रांसक्रिप्शन। चलो पहले यह सवाल समझ लो, ये सवाल है ना कैसा है मालूम है, इसको ड्रॉ करके ही समझते हैं। ये डीएनए है, अब डीएनए के समझो ये स्ट्रैंड आरएनए नहीं बना रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड आरएनए बना रहा है तो इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो भाई यहां आरएनए बन जाएगा। अब सवाल ये है कि नॉर्मली ऐसा होता है, बट एनसीईआरटी ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों नहीं है कि भाई ये भी आरएनए बना रहा है और ये भी आरएनए बना रहा है। सो इसका एनसीईआरटी ने ना जवाब दिया है, इसके दो रीजन दिए। पहला रीजन, अगर ऐसा होता ना कि इसने भी आरएनए बनाया तो यहां एक आरएनए बनेगा, और इसने भी आरएनए बनाया तो भाई यहां भी एक आरएनए बनेगा। सो अल्टीमेटली इससे क्या हो जाता ना, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे ना, सो बेसिकली बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड मिलकर दो आरएनए बनाएंगे, और वो दो आरएनए आगे चल के दो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाएंगे। सो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, इसका मीनिंग ये निकलता है, हेंस एक जीन दो तरह के प्रोटीन्स को बनाएगा। सो दिस वुड कॉम्प्लिकेट, दिस वुड कॉम्प्लिकेट दी जेनेटिक
इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, यानी एक जीन ना दो तरह के प्रोटीन्स बनाने लगेगा। अब एक जीन अगर एक कैरेक्टर को लेके कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है तो दो तरह के प्रोटीन बनाएगा, तो उससे क्या है कि जीन ट्रांसफर का, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का जो पूरा प्रोसेस है, जो मशीनरी, मशीनरी यानी प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सेकंड, ये दो जो आरएनए बनेंगे ना, टू आरएनए, ये दोनों आरएनए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यानी जैसे अगर इसके पास समझो यूरासिल है तो इसके पास एडिनिन आएगा, इसके पास गुआनिन है तो इसके पास साइटोसिन आएगा। सो दोनों आरएनए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, टू आरएनए वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड वुड मेक, और यू कैन से एंड वुड फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। यानी ये दोनों आरएनए आपस में ही चिपक जाएंगे, क्योंकि अगर एक के पास गुआनिन है दूसरे के पास साइटोसिन है तो गुआनिन और साइटोसिन क्या करेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एक के पास यूरासिल है तो दूसरे के पास एडिनिन आएगा। सो अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाते हैं ना, तो दोनों आरएनए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एंड दे वुड फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन। मैंने शॉर्ट में लिखा इंग्लिश में, ओके, नहीं तो तू बोलेगा अवस्थी सर का इंग्लिश खराब है, विल नॉट ट्रांसलेशन, ओके, राइट। डबल स्टैंडर्ड आरएनए ना विल नॉट बी एबल टू डू द फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। और अगर ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा तो भाई, तो इसको बनाया क्यों हमने, ये ट्रांसक्रिप्शन आरएनए कैसे बनता है, ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बर्बाद हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी टेक्सटबुक इसको हाईफाई लैंग्वेज में लिखता है, अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा है ना, तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस फ्यूटाइल हो जाएगा, फ्यूटाइल यानी वेस्ट। हेंस एंटायर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल बिकम फ्यूटाइल, फ्यूटाइल यानी वेस्ट। ये समझे, जैसे इतना बड़ा लेक्चर बनाया अवस्थी सर ने, मेहनत करके एक एक डायग्राम, एक एक कॉन्सेप्ट समझाया, और तू लेक्चर अगर बराबर से देखेगा नहीं, इसका नोट्स अगर नहीं बनाएगा, तो मेरी सारी मेहनत फ्यूटाइल हो जाएगी। ओके, वाक्यों में प्रयोग करो, क्या मस्त मस्त इंग्लिश आता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब जीन का डेफिनेशन क्या है, जीन डीएनए का वो सेगमेंट है, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन। तुझे मैं एक होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क के तौर पे ये ढूंढ लेना। पहले लोग बोलते थे एक जीन एक एंजाइम बनाता है, वन जीन कोड्स फॉर वन एंजाइम, और वो एंजाइम कैरेक्टर डिटरमाइन करता है, ऐसा पहला मानते थे, जो कि गलत था। फिर बाद में पता चला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड एक तरह का प्रोटीन बनाता है, और यह प्रोटीन हमारे कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। तो स्टार्टिंग के दिनों में लोग मानते थे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, उसके बाद लोग मानने लगे वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, जो कि सही है। तुझे ये दोनों के साइंटिस्ट के नाम ढूंढना है, तुझे इसको तुम गूगल करो, कमेंट सेक्शन में डाल दो, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय एंड वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय। ओके, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ये याद रखना। सो जीन डीएनए का वो टुकड़ा होता है जो एक खास किस्म का प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट, सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ डीएनए, यूनिट ऑफ डीएनए यानी सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का टुकड़ा, यानी सिस्ट्रॉन भी एक जीन है, ये वो जीन है, इट इज दैट यूनिट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन।
विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड। अब इसके आधार पे ना बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन और बेटा पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन। मोनो यानी एक, पॉली यानी बहुत सारा। अगर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में उसके स्ट्रक्चरल जीन में सिर्फ एक सिस्ट्रोन होगा ना, सो उसको मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन बोलते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन में ओनली वन स्ट्रक्चरल जीन इज प्रेजेंट इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल जीन होगा। पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन में मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सुनो बात ध्यान से। अब नेक्स्ट ट्रिक ऐसा है, पी से पॉलीसिस्ट्रोनिक, पी से प्रोकैरियोट्स। पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन इज सीन इन प्रोकैरियोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एंड मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन इज सीन इन यूकैरियोट्स। ओके, देन फिर हमने देखा था कि जब आरएनए बनता है उस आरएनए को हम लोग ना हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, वो कच्चा आरएनए होता है और उस आरएनए के साथ फर्दर प्रोसेसिंग होगा। सो मैं यहां लिख देता हूं, जो आरएनए बनेगा ना उसको अगर तुम चाहो तो उसको तुम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोल सकते हो, और उसको अगर तुम चाहो तो एचएनआरएनए यानी हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी बोल सकते हो। अब इस हेटरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए के साथ तीन स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं कैपिंग। इस स्टेप में क्या होता है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अटैच्ड टू द फाइव डैश एंड ऑफ दी आरएनए। आरएनए के फाइव डैश एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का कंपाउंड जुड़ता है। फिर सेकेंड स्टेप को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग स्टेप में क्या होता है, इंट्रॉन्स को काट के निकाल देते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। और फिर लास्ट स्टेप है जिसको बोलते हैं टेलिंग। टेलिंग में एडिनाइलेट नाम का कंपाउंड, एडिनाइलेट रेसिड्यूज, कम से कम 200 से 300 रेसिड्यूज अटैच होते हैं, वो भी आरएनए के थ्री डैश एंड पे। टेलिंग को कई बार पॉली एडिनाइलेशन भी बोला जाता है। ओके, अच्छा लास्ट पॉइंट ये याद रखो, एक्सॉन और इंट्रॉन में से एक्सॉन जो होते हैं ना, एक्सॉन्स आर कोडिंग सीक्वेंसेस एंड इंट्रॉन किसी काम के नहीं होते हैं। सो इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। इसलिए हमने जब डायग्राम बनाया था ना, जो अंदर ही अंदर काट के निकाल लिया हमने उसको इंट्रॉन्स बोलते थे बच्चों। जिसका इंतकाल हो गया ना, जो इंटरनली ही काट दिया गया वो इंट्रॉन। और एक्सॉन ईएक्स, ट्रिक देखो, ईएक्स यानी एग्जिट, जो एग्जिट मारा लास्ट तक टिका रहा ना, जो एमआरएनए में देखा जाता है, फाइनल आरएनए में देखा जाता है, उसको इंट्रॉन बोलते हैं। एक्सॉन्स आर कोडिंग सीक्वेंसेस, ये लास्ट तक देखा जाता है। सो इट इज सीन इन मेच्योर आरएनए,
इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, इट इज नॉट सीन इन मैच्योर आरएनए. ये पॉइंट को लिख देते हैं, एक्सॉन इज सीन इन मैच्योर आरएनए एंड इंट्रॉन्स आर नॉट सीन इन मैच्योर आरएनए. थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ओके राइट, ये समझा. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों. लिए? ऑल राइट फाइन. सो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का कर दिया स्वाहा, इस पूरे बड़े से राक्षस को कर दिया भसम. आने वाले लेक्चर में ट्रांसलेशन का तांडव होगा, उधर भी हम अपने यो-यो बायो स्टाइल में इसको पूरी तरह से समझ लेंगे. मैं उम्मीद करता हूं ये जो मैंने मेहनत किया है, जो प्लानिंग करके एक एक डायग्राम एक एक पॉइंट जो बोर्ड पे तुमको प्रेजेंट करके सिखाया है, फिर तुम कोई भी तरह का टेक्स्ट बुक नोट्स या डाइजेस्ट पढ़ लो, लॉन्ग टर्म तक तुमको है ना ये आंसर हमेशा समझे रहेगा बेटा. आने वाले लेक्चर में हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करने वाले हैं. टिल देन आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, इसका प्रॉपरली नोट्स बना लो. मैंने जो भी कुछ लिखवाया है ना बोर्ड पे, स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट्स बनाओ. वो नोट्स तुम मुझे चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो. ढूंढो हर जगह यो-यो बायो डालो, यो-यो बायो वाला एक ही प्राणी है इस धरती पे, वो है तुम्हारा प्यारा डॉक्टर वैभव अवस्थी. सो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारा मंत्र कभी भूलना नहीं, यो-यो बायो समझ में आयो प्रेम रतन धन पायो. नमस्ते.